हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज ऑफिशियल, आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन उसे प्रेस जरूर कर लें ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। आज के वीडियो में बताने वाली हूँ, जी हाँ, नवरात्रि में तीसरे रोज़ किस माँ की पूजा की जाती है और इनकी पूजा से क्या लाभ होता है और इनकी पूजा में क्या क्या चाहिए और इस माँ को क्या पसंद है और कौन से कपड़े धारण करके पूजा करना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो तीसरा पूजा जो होता है वो माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। जी हाँ, नवरात्रि में तीसरा जो पूजा होता है वो माँ चंद्र घंटा की पूजा होती है। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा है। इनकी आराधना तृतीया को की जाती है। इनकी उपासना से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, वीरता के गुणों में वृद्धि होती है, स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश होता है, वे आकर्षण बढ़ता है। माँ चंद्रघंटा को लाल वस्त्र बहुत पसंद हैं। आप इन्हें लाल वस्त्र पहन के पूजा करें, लाल वस्त्र चढ़ाएं और माँ चंद्रघंटा बीज मंत्र ऐं श्री शक्तेय नमः। माता चंद्रघंटा मणिपुर चक्र में इनका ध्यान किया जाता है। कष्टों से मुक्ति तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्हें पूजा जाता है। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटे नमः। कैसा लगा आप सभी को हमारा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो, जी हाँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी चौथा पूजा किस देवी की जाती है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे वीडियो।